श्रीनगर जम्मू हाईवे पर एनकाउंटर जारी, एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने का ठिकाना किया ध्वस्त, एक आतंकी का शव बरामद, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। कुलगाम में बीएसएफ के काफले पर हुई थी फायरिंग, श्रीनगर जाने के दौरान हुआ था हमला। कुलगाम हमले में दो नागरिक जख्मी, इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बलों के साथ रह रहकर फायरिंग, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला, 7 लोग जख्मी, 4 साल के मासूम बच्चे की मौत। हमले में एक और बच्चा घायल, परिवार छत पर था मौजूद, इसी दौरान अज्ञात शख्स ने फेंका ग्रेनेड। बचाओ, नीलकंठ ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। रजौरी में भारी सुरक्षा बल तैनात, आज रजौरी बंद का आह्वान। रजौरी में विमान के आकार का बलून बरामद, एलओसी पार पाकिस्तान से आने का अंदेशा। जम्मू कश्मीर में ड्रोन को लेकर अलर्ट, बीएसएफ रख रही है नजर। सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन को लेकर मुस्तैदी, मेटल पिलर पर लगाई गई लाइट मशीन गन। ड्रोन को देखते ही मार्ग गिराने के पूरे इंतजाम, थर्मल इमेज व्हीकल की भी तैनाती। सेक्टर में इस साल अब तक 4 सुरंगों का खुलासा, नाइट पेट्रोलिंग में किया गया इजाफा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से भूस्खलन जारी, जोशीमठ इलाके में सामने आई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर हादसे में अब तक 15 लोगों के शव बरामद, मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। गुरुवार को हादसे की जगह पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। गुरुवार को कई बार रोकना पड़ा बचाव कार्य, पहाड़ी से गिरते पत्थरों ने डाला अड़ंगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन का संकट, मलबे की चपेट में आया ट्रक। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों अब भी खतरे के निशान से ऊपर, किनारे की बस्तियां डूबी। मिर्जापुर में गंगा में जोरदार उफान, धार में बहने से एक शख्स की मौत। मिर्जापुर के दर्जनों गांव बने टापू, गंगा में बहता दिखा पूरा घर। बाढ़ से बेहाल वाराणसी के लोगों ने लगाई बाबा विश्वनाथ से गुहार, 56 भोग के साथ हुई विशेष पूजा अर्चना। पटना से सटे दानापुर में कई गांव में घुसा पानी, नाव पर आशियाना समेत निकले लोग। दरभंगा में एक घंटे की तेज बारिश से ढाया कहर, रिहायशी बस्तियों में घुटने तक भरा पानी। धौलपुर में तेज धार में बह गए ट्रैक्टर पर सवार दो लोगों की मौत, 24 घंटे बाद बरामद हुए शव। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज रफ्तार का टूटा कहर, दो बाइक की टक्कर में दो लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। समस्तीपुर में जानलेवा साबित हो रही है बारिश, मकान का हिस्सा ढहने से 3 की मौत। समस्तीपुर पुलिस ने मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड में 3 को किया गिरफ्तार, हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश का अंदेशा। 15 अगस्त के समारोह के लिए आज होगी फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले पर तेज हुई हलचल। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में जबरदस्त सुरक्षा, 300 स्नाइपर किए जाएंगे तैनात। लाल किले के मेन गेट के बाहर लगाए जाएंगे भारी भरकम कंटेनर, एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कड़ी चौकसी, सड़क पर निकलने वालों की ली जा रही है तलाशी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह, आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से हो रहा है समारोह। 1984 में सिख विरोधी दंगों के 37 साल पूरे होने के बाद कानपुर में पूरी हुई 11 मामलों की एसआईटी जांच, चार्जशीट दायर करने की तैयारी। करीब 2 साल की जांच के बाद एसआईटी ने 67 आरोपियों की पहचान की, 13 की मौत, 54 के खिलाफ होगी कार्रवाई। कानपुर में हुए दंगों में 127 लोगों की हुई थी हत्या, 37 साल बाद एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच की मदद से ढूंढ निकाले खून के धब्बों समेत कई अन्य सबूत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में चौकसी, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले की साजिश का खुफिया अलर्ट। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर, खुफिया सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और संघ के नेताओं को निशाना बना सकते हैं खालिस्तानी संगठन। कांग्रेस की विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश, सोनिया गांधी 20
अगस्त को करेंगी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक। सामने आया बुधवार की राज्यसभा में हंगामे का वीडियो, महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की करते दिखे सांसद। राज्यसभा की रिपोर्ट के मुताबिक महिला मार्शल के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, घसीटे जाने का भी जिक्र। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक बाहर से नहीं बुलाए गए थे लोग, विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखते हुए की गई थी मार्शलों की अतिरिक्त तैनाती। विपक्ष ने हंगामे के लिए सत्ता पक्ष को ठहराया जिम्मेदार, राज्यसभा के सभापति से की मुलाकात। ट्विटर पर अब नया अध्याय, देशभर में कांग्रेस के 5,000 से ज्यादा नेताओं के अकाउंट ब्लॉक। ट्विटर की कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस, कई नेताओं ने प्रोफाइल में राहुल गांधी की फोटो लगाकर जताया विरोध। ट्विटर की कार्रवाई पर प्रियंका गांधी भड़की, कहा सरकार के दबाव में हो रही है कार्रवाई। इससे पहले राहुल गांधी का ट्विटर खाता हुआ ब्लॉक, राहुल ने सरकार पर लगाया डिजिटल दादागिरी का आरोप। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी ने वॉशिंग मशीन लेकर ट्विटर दफ्तर में जाने की दी सलाह। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में दिल्ली कांग्रेस का विरोध, जंतर मंतर पर हल्ला बोल और प्रदर्शन। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर अंबाला में बवाल, देश को बेचने का काम कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। किसानों की गिरफ्तारी को लेकर अंबाला में बवाल, आमने सामने किसान और पुलिस। किसानों की रिहाई के बाद शांत हुआ प्रदर्शनकारी को गुस्सा, दिन भर प्रशासन ने समझाया। 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड करेंगे किसान, खेती कानून को वापस लेने की मांग को लेकर बढ़ाया दबाव। गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे पीएम, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन से जुड़ेंगे। गुरुवार को पीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से की बात, कहा कोरोना काल में महिला शक्ति का बड़ा योगदान। आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। प्रधानमंत्री ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रिलीज किया 1625 करोड़ का फंड, कोविड काल में काम की सराहना। लखनऊ में सीएम योगी ने शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, मिडिल स्कूल के लिए भर्ती। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने विधायक की बेटी के लिए महिंद्रा कंपनी को लिखी चिट्ठी, थार गाड़ी की डिलीवरी जल्द करने को कहा। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर दोनों आरोपियों का कराया गया कोरोना टेस्ट, नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली लाने की तैयारी। अमेठी में अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़, अगवा कारोबारी को सही सलामत छुड़ाया। हाजीपुर में शराब से लदी कार ने युवक को रौंदा, भीड़ भाड़ ने की तोड़फोड़। महाराष्ट्र औरंगाबाद पेट्रोल पंप पर डकैती, बंदूक और चाकू के नोक पर 1.5 लाख लूटकर बदमाश फरार। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले, 107 की गई जान। बंगाल को मिली कोरोना टीके की 7.5 लाख डोज, 2 खेप में पुणे से कोलकाता पहुंची वैक्सीन। सीतापुर में कोरोना टीकाकरण में बड़ी लापरवाही, 2 मृतकों के नाम पर जारी हुए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कटक में कोरोना टीकाकरण अभियान मुश्किल, कई आदिवासी समुदायों ने किया टीका लगवाने से इनकार। राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी, 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुलेंगी। पोरबंदर की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, चिमनी मरम्मत के दौरान हादसे में 7 मजदूर फंसे। सूरत के फार्म हाउस में दर्दनाक हादसा, बिजली के तारों की चपेट में आने से 2 मजदूरों की गई जान, 1 बुरी तरह से झुलसा। सीकर में कुआं खोदने के दौरान जमीन धंसी, मिट्टी में दबने से 1 मजदूर की मौत। बांदा के पावर प्लांट में भीषण हादसा, शॉर्ट सर्किट से हुए धमाके के बाद लगी आग। आग से इलाके में दूर दूर तक छाए धुएं का गुबार, पावर प्लांट में लाखों का नुकसान। बठिंडा में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, नशे के ओवरडोज के जानलेवा होने का शक। बाड़मेर में 12वीं की परीक्षा के दौरान पकड़ा गया फर्जी छात्र, दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा। पटना में व्यापारी हत्याकांड के विरोध में उतरे दुकानदार, बाजार बंद करके निकाला कैंडल मार्च। महाराष्ट्र के बीड में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। रांची में नर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, रिम्स के गेट पर भीख मांगकर जताया विरोध प्रदर्शन। औरैया में महिला पर तेजाब से हमला, चलती ट्रेन में 3 आरोपियों ने की वारदात। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बीज बाजार, बदमाशों की बमबाजी, 5-5 धमाकों से मची अफरा तफरी। मेरठ में तेल कारोबारी से 15 लाख की लूट का खुलासा, कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। हरदोई में प्रेम प्रसंग का जानलेवा अंजाम, शादीशुदा युवक ने लगाई फांसी, लड़की ने भी खुदकुशी की कोशिश की।
रायकेला में 1 करोड़ का डोडा जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। अमरोहा में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हंगामा, रात को घर में बुलाकर ले गए थे अज्ञात लोग। ग्रेटर नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर, लूट की दर्जनों वारदात में थे शामिल। बाड़मेर में दलित नाबालिग के साथ रेप की वारदात, फांसी पर लटकाकर हत्या की कोशिश। बिहार के गोपालगंज में 2 बसों से लाखों रुपए की शराब बरामद, बसें जब्त होने से घंटों परेशान हुए यात्री। इंदौर में कारोबारी के बच्चे का अपहरण की साजिश नाकाम, वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार। लॉर्ड्स में जारी है भारत इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन आज, मजबूत स्थिति में भारत ओपनर केएल राहुल और रोहित शर्मा ने जमकर मचाया धमाल। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को दिया था बल्लेबाजी का न्यौता, ओपनर केएल राहुल ने जड़ा धमाकेदार शतक, 127 रन बनाकर क्रीज पर है डटे। ओपनर रोहित शर्मा शतक से चूके, आउट होने से पहले बनाए शानदार 83 रन। कप्तान विराट कोहली 42 रन बनाकर रॉबिन्सन का बने शिकार, रहाणे 1 रन बनाकर क्रीज पर है डटे। पहली पारी में भारत ने अब तक 3 विकेट पर 276 रन, इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने 2, रॉबिन्सन ने 1 विकेट झटका।